दोस्तों आज इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो मच्छर मारने वाला बैडमिंटन मशीन जो होता है उसमें प्रॉब्लम्स ये है कि इसको बिजली की बोर्ड में लगाने के बाद यहाँ पर जो है इंडिकेटर शो तो करते हैं लेकिन चार्जिंग्स नहीं हो रहा, काम नहीं कर रहा है। तो आखिर इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या है, कैसे आप अपने बैडमिंटन मशीन की रिपेयर कर सकते हैं, आज की वीडियो में दिखाएंगे हम बहुत सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले दिखाते हैं, ये है बिजली की बोर्ड, इसमें लगाता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए इंडिकेटर दिखा रहे हैं लेकिन एक घंटे, दो घंटे, चार घंटे, पाँच घंटे रखने के बावजूद ये जो है चार्जिंग नहीं हो रही है, इसकी चार्जिंग की प्रॉब्लम हो गई है जो कि काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल हम इसको खोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसकी छोटी छोटी स्क्रूज लगी होती हैं जिसको हमने वीडियो में दिखाने के लिए स्क्रू पहले ही खोल दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। चलिए अब इसके अंदर खोल कर देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है। इस तरीके से इसको खोलनी है, खोलने के बाद इसके अंदर हमें दो तीन चीज़ों को चेक करनी है। तो यहाँ पर देख पा रहे सिंपल एक वायर जो कि इस सोल्डरिंग से ये जो वायर है वो उखड़ गया है और ये जो वायर यहाँ पर देख सकते हैं किसमें लगी है, बैटरी में। तो मतलब बैटरी की वायर ही सोल्डरिंग से उखड़ गई है जिसकी वजह से हम इसको बिजली की बोर्ड में घंटे दो घंटे चार्ज करने के बावजूद बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, इसलिए इधर जो है बैडमिंटन मच्छर मारने की काम नहीं कर रहा है। दोस्तों सिंपल क्या करनी है, इसको हमें छीलनी है, छील कर फिर से यहाँ पर सोल्डिंग करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारी ये जो मशीन है वो चलता है या फिर नहीं। चलिए इसको पहले हम इसको छील देते हैं। तो ये देखिए हमने इसको छील दिया है, छीलने के बाद हम इसकी यहां पर सोल्डिंग कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने ये जो वायर उखड़ गया था उसको हमने यहाँ पर जो है सोल्डिंग कर दिया है। अब इसको हम चेक करके देखते हैं कि ये काम करता है या फिर नहीं। तो इसके लिए हमें कुछ देर इसको फिर से, बैटरी चार्ज नहीं होंगी तो इसको चार्जिंग में लगाकर कुछ देर रखनी पड़ेंगी। तो हमारे पास ये जो बैटरी है वो तो चार्जिंग था, अब देखते हैं ये काम करेगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर हमें इसको ऑन करनी है और यहाँ पर ये जो बटन है उसको दबाते हैं फिर शॉर्ट करके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से ये जो काम करने लगी है। तो सिंपल कई बार वायर उखड़ जाती है या फिर बैटरी ही खराब हो जाता है, तो दोनों कंडीशन में चेक करनी है। बैटरी खराब हो गई हो तो दूसरी बैटरी लगाकर चेक कर लीजिए, आपके जो मच्छर मारने वाला मशीन है वो चालू हो सकती है, ठीक कर सकते हैं अपने ही घर पर। बहुत सिंपल और सरल तरीके से हमने इस वीडियो में बताया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, फिर से लाएंगे दूसरी नई वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।